हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आज फर्स्ट अपडेट निकल के आती है टीम सोल से रिलेटेड। तो ऑलरेडी स्काई स्पोर्ट्स के फाइनल स्टार्ट हो गए हैं और कल हमें टीम सोल की तरफ से ऐसे दो ही प्लेयर देखने को मिले। और सिड ने उसके ऊपर ट्वीट करा, हमारे लिए लॉबी वेट नहीं हुई फाइनल्स की फॉर अ फ्यू मिनट, बट लास्ट मैच में 6 मिनट डिले हो गया फॉर अदर टीम। लाइफ इज टू टफ बींग टीम सोल। तो स्काई स्पोर्ट्स के हेक्सीजन ने इस पे ये लिखा, पहली बात तो मायावी को मैंने खुद इन्फॉर्म किया था, आपके जो प्लेयर्स थे वो लेट ज्वाइन कर रहे थे लॉबी को, मल्टीपल वार्निंग दी गई थी, मैच 10 मिनट बाद स्टार्ट हुआ था शेड्यूल स्टार्ट टाइम से, बट स्टिल दे डिडंट जॉइन। फिर माया भी ट्वीट पे ये लिखे कि प्लीज ट्वीट दोबारा से पढ़ो, हमने तो एक्सेप्ट किया है कि दो मैन खेल रहे थे म्यांमार गेम के अंदर, इवन थ्रू वी आस्क फॉर द रीमैच इन द स्पेन आइलैंड इटसेल्फ, बट वी एक्सपेक्टिंग द सेम ट्रीटमेंट विद एवरी टीम, व्हाई लास्ट मैच वाज नॉट ऑन द टाइम। फिर सिड लाइव आया और सिड ने सारा मैटर एक्सप्लेन किया, चलो देखते हैं उन्होंने क्या बोला। आईडी पासवर्ड थोड़ा सा लेट आया हमको, अराउंड 7 to 8 मिनट्स लेट मिला, क्योंकि जो आईडी पासवर्ड देता है उसकी भी गलती नहीं थी, उसके व्हाट्सएप में उसको बग हो गया था वॉलेट आईडी नोटिफिकेशन, तो उसको भी मैं ब्लेम नहीं कर सकता। बग हो रहा था तो उसने थोड़ा सा हम लोग को लेट भेजा आईडी पासवर्ड, हम लोग को लेट मिला, उसके बाद भी हम लोग की गलती थी, किधर भी मैं ये नहीं बोल सकता हमारी गलती, हमारे डिस्कशन में हम लोग ने आईडी पासवर्ड देखा नहीं, पता है हम लोग ने हल्का सा ज्वाइन करके दो लोग ज्वाइन करके बैठे थे। नॉर्मली कैसा है, फाइनल चल रहा है ना, फाइनल है, देखो क्वार्टर फाइनल वगैरह सेमीफाइनल नहीं है कि कुछ टू मैन खेल दिया थ्री मैन खेल दिया चल जाते हैं, फाइनल थोड़ा सा होता है, मतलब इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल कैसा कॉल आता है लोगों का कि यार ज्वाइन क्यों नहीं हुआ ये वो, कुछ कॉल वाल आया नहीं, सीधा चालू हो गया गेम, लास्ट बोर्ड पे जाके क्वालीफाई डायरेक्ट चालू हो गया गेम, पांच मिनट टॉप पॉइंट देता और मैंने ट्वीट भी इसके लिए किया क्योंकि नेक्स्ट गेम से आईडी पासवर्ड आया तो हम लोग ऑन टाइम ज्वाइन करके बैठे थे, टाइम लिखा हुआ था आई थिंक 440 का स्टार्टिंग टाइम फॉर द लास्ट गेम, और वो गेम 446 तक चालू नहीं हुआ था क्योंकि हमारे दो टीम से, मैं जिसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, दो टीम से जिनके पूरे मेंबर्स नहीं आए हुए थे, एक टीम 3 मैन थी एक मैन 2 मैन थी, बट वो गेम फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ इवन तो 440 स्टार्ट टाइम लिखा हुआ था, तो मेरे को थोड़ा सा खराब लगा, अगर रूल्स है तो सबके लिए होने चाहिए, वो एक टीम के मल्टीपल मेंबर्स नहीं हो या दो टीम के मल्टीपल मेंबर्स नहीं हो या आधी लॉबी के मल्टीपल मेंबर्स नहीं हो, अगर रूल्स स्ट्रिक्ट है तो सबके लिए होने चाहिए, मैं गलती मान रहा हूं, लास्ट सेकंड मैच में हमारी गलती थी, वी आर वेरी सॉरी, हमारी गलती है, बट लास्ट गेम भी फिर फटाक से चालू कर देना चाहिए था अगर टाइम पे स्टार्ट करना था तो, बट कोई नहीं, चलो 2 मैन खेल के भी 6 पॉइंट हम लोग लेके आए 10 पॉइंट सिस्टम में, तो चलेगा। नेक्स्ट अपडेट आती है नियो से रिलेटेड। तो कल नियो ने अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर वापस ओल्ड टीएसएम की जर्सी पहनी थी और उन्होंने उसके ऊपर कुछ बोला भी था, चलो देखते हैं उन्होंने क्या बोला। अरे जर्सी इसलिए पहना भाई, जर्सी का क्वालिटी मतलब बहुत प्यार है, आज तक मैं इसी क्वालिटी का जर्सी नहीं पहना, मटेरियल एकदम जो की निकल के आती है लोज की तरफ से, तो लोज ने रिएक्ट किया एडमिनो की गेमिंग स्किल्स के ऊपर, चलो देखें उन्होंने क्या बोला। नेक्स्ट अपडेट है जॉनथन से रिलेटेड जो कि निकल के आती है नियो की तरफ से। तो आज के बीजेएमएस मैच के अंदर जॉनथन हमें खेलते हुए नहीं दिखे थे, इसके ऊपर नियो ने रिएक्ट किया कि वो क्यों नहीं खेल रहे, और नियो ने ये भी बोला कि जॉनथन के अंदर बहुत ज्यादा डेडिकेशन है, तो देखिए उन्होंने एक्जेक्टली क्या बोला। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है स्काउट की तरफ से। तो स्काउट एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं बिकमिंग प्रो इन 30 डेज नूब टू प्रो एडिशन बीजीएमआई। तो स्काउट ने एक्सप्लेन किया जो न्यू गेम को ज्वाइन कर रहे हैं वो इससे सीख सकते हैं आराम से, और न्यू गेमर भी प्रो बन सकते हैं इसके अंदर, चलो देखिए उन्होंने क्या बोला। हे गाइस, एक छोटी सी अपडेट आप लोग के लिए, कल से नया मंथ स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग एक बहुत क्रेजी कंटेंट के साथ आ रहे हैं जो है बिकमिंग प्रो इन 30 डेज नूब टू प्रो एडिशन बीजीएमआई। मेरे को पता है बहुत लोग ऑलरेडी आता है, बहुत लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल्स है और बहुत लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं, तो कल से हमारे इंस्टाग्राम पे एक सीरीज स्टार्ट होगी जो 30 दिन तक लगातार कंटिन्यू होगी, जहां मैं अपना बेस्ट दूंगा कि एक न्यूबी जो एकदम नया गेम है वो पूरा गेम सीख जाए और आपको समझ में आए कि एक प्रोफेशनल क्या करता है, एक कैजुअल प्लेयर क्या करता है, और ये जर्नी 30 दिन के लिए ही, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। कल से हम लोग रेगुलर एक ट्यूटोरियल वीडियो डालने वाले हैं जो आपको कल समथिंग अराउंड 4 to 5 बजे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। तो नेक्स्ट अपडेट आती है ओरैंगुटान एकेओपी की तरफ से। तो उन्होंने ये किया अपने डोमिनेशन और ट्रॉफी विनिंग के ऊपर, और उन्होंने ये भी बोला कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इस बार के एमवीपी वही बनेंगे, चलो देखिए उन्होंने क्या बोला। कभी कभी क्या होता है 10 साल लग जाते हैं वो 1 साल आने में, जिस साल में तुम डोमिनेट करोगे समझो, 3 साल से मैं वो आया नहीं,